हम जीत गए। चलो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। हर बार की तरह हमारे कैप्टन साहब से टॉस की जीत उतना ही दूर भागी जितना वैलेंटाइन डे में कपल्स बजरंग दल को देखकर भागते हैं। और हमने आज का टॉस भी हार कर पहले बैटिंग चुनी। आलिया भट्ट की मूवी और इस सीरीज में हमारे केएल राहुल की फॉर्म दोनों एक समान थी, बिल्कुल एकदम बकवास। मैं तो कहता हूँ कोहली भैया को ना केएल राहुल की नजर उतरवानी चाहिए, उन पर ना किसी काली चुड़ैल ने जादू किया है जादू। लगातार 4 मैचों में बुरा प्रदर्शन करने वाले हमारे राहुल की किस्मत इस बार हमारे कोहली भैया और रोहित को भी साथ ले चली और वो दोनों भी जल्दी पर आउट हो गए। कोहली भैया 1 और हमारे ओपनर रोहित शर्मा 12 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद हमारे स्पाइडरमैन पंत भैया ने सूर्य कुमार का साथ निभाया और उसके बाद श्रेयस अय्यर की अच्छी पारी। तरह धीरे धीरे हम 185 तक पहुंच गए जो कि काफी अच्छा स्कोर था T20 के लिए। अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान की जगह आज सूर्य कुमार को मौका दिया गया था और मौके पे सूर्य ऐसे चमके कि उनकी गर्मी कोई इंग्लैंड वाला सहन नहीं कर पाया होगा। कल के मैच में उन्होंने अपने पहले मैच में ही एक शानदार 50 लगाई और डेब्यू मैच में 50 मारने वाले वो तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने। उसके बाद हमारी बॉलिंग भी शानदार रही लेकिन इंग्लैंड वाले इतनी आसानी से हार मानने वाले कहां थे। जेसन रॉय और बेन स्टोक्स की शानदार पारियों से वो लगभग मैच जीत ही चुके थे लेकिन हमारे हीरो शार्दुल ठाकुर ने 2 बॉलों में दोनों को आउट करके मैच का पासा हमारी तरफ कर दिया। ठाकुर और सूर्य कुमार के शानदार प्रदर्शन से हम सीरीज में बराबरी कर चुके हैं। अब सीरीज का 5वां और अंतिम मैच फाइनल मैच की तरह होने वाला है। जो 5वां T20 जीतेगा वही सीरीज को जीतेगा। तो दोस्तों अब विदा लेने का समय आ गया। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।